प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत गरीब परिवार के लोगों को 5 लाख का निःशुल्क बीमा कराने की कवायद तेजी से चल रही है। इस योजना को सफल बनाने के लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की एक संयुक्त बैठक मंगलवार को जिला अस्पताल के नए CMO कार्यालय परिसर में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य रूप से अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NK पांडे, अपर नगर आयुक्त DK सिन्हा सहित 70 वार्डो के नोडल अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में वर्ष 2011 में केंद्र सरकार द्वारा गरीब परिवार के सर्वे लिस्ट को खंगाल कर पात्र और अपात्र लोगों की सूची तैयार कर एकत्र किया गया। इसी सूची के आधार पर 70 वार्डो के नोडल अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में पात्रों के मृत और जीवित होने की जांच कर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त DK सिन्हा ने बताया। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है भारत सरकार की, इसके तहत 2011 की जनगणना के आधार से गरीब परिवार चिन्हित किए गए हैं। उन परिवारों को जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं उसमें 5 लाख का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। उनकी सूची हमको मिली है, वो 70 वार्ड की सूची है, नगर निगम गोरखपुर में 70 वार्ड है, तो 70 वार्ड की सूची वो वेरीफाई करनी है सबको। जैसे मान लीजिए अगर किसी परिवार का कोई सदस्य बढ़ गया है तो उसका नाम ऐड हो जाएगा, और अगर किसी परिवार का अनफॉर्चुनेटली किसी परिवार के किसी सदस्य की डेथ हो गई तो उसका नाम उसमें से डिलीशन कर दिया जाएगा उसका। तो ये कार्य मेरे लिए करना है और उसके लिए 70 वार्ड में 70 टीमें लगी हैं हमारे 70 नोडल अफसर से, उसी में ANM और दूसरे मेडिकल स्टाफ लगाया जाएगा। ये काम 27 मई को होना है, इसका भरपूर प्रचार प्रसार कराया जाएगा। प्रत्येक वार्ड में जो वार्ड वार्ड सूची पढ़ के सुनाई जाएगी और उसमें लोग जो लोग चिन्हित हैं उनका जो लिस्ट है उसको वैलिडेट किया जाएगा।